यस फ्रेंड्स, ये गाड़ी है किया सेल्टोस, इसकी हम सर्विस करने वाले हैं। 16 वाल्व है इसके अंदर, CRD इंजन है, कॉमन रेयर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है इसमें, और इसका हम फुल सर्विस करेंगे। यह यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर है, ये डिपस्टिक हो गई, और ये एयर फिल्टर पीछे इसका ECM के, मगर ये यहाँ पे इसका रियर फिल्टर लगा हुआ है। हम इसका भी ऑयल रिप्लेस करने वाले हैं। हम जनरल चेकअप करते हैं सबसे पहले, इसका जो कूलेंट लेवल है इसमें कूलेंट टॉप अप करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी इसकी जो है वो लो है। इधर फुल शो कर रहा है, इसका जो ब्रेक फ्लूड है वो भी इसमें कम ही है। हम इसके डिस्क पैर भी चेक करेंगे, बिकॉज के अगर इसके ब्रेक फ्लूड कम होता है तो डिस्क पैर जो है वो जिससे होने की संभावना ज़्यादा होती है। और फाइनली जो है इसके बैटरी का वाटर जो है वो भी हम इसको चेक करने वाले हैं। आइए हम सर्विस करते हैं, गाड़ी के नीचे चलते हैं। इसका जो तेल है वो ड्रेन कर, उसके बाद हम इसके जो डिपस्टिक है इसको हम इसमें जो एयर होगी वो निकल जाएगी आसानी से, जो इंजन वाला वो नीचे पूरा ड्रेन हो जाएगा। देखो सामान इसका 5 लीटर है, 5 लीटर मुझे इसका जो ऑयल फिल्टर है। एयर फिल्टर जो है वो 2 क्लिप लगे हुए हैं, आसानी से निकाल सकते हो आप। ये इसका एयर फिल्टर, ये इसका ओल्ड फिल्टर है, ये नया। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे जो रिंग है ये ज़रूरी है चेंज करना, अगर नहीं करते तो सम टाइम क्या होता है कि लीक करने लग जाता है। और ये भी एक रिंग है यहाँ पे छोटा, जो नए फिल्टर के साथ जो है वो साथ में ही आता है। ये बड़ा रिंग होगा और ये छोटा, और एक जो नीचे ड्रेन नट के लिए जो वासल है वो भी आती है। सम टाइम क्या होता है कि वासल जो है वो ख़राब हो जाती है, उसको चेंज करने के लिए दिया ताकि गाड़ी में कोई लीकेज ना हो। हमने इसके जो है दोनों रिंग जो है वो चेंज कर दिया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब हम इसको जो है वो फिल्टर के बीच में लगाने वाले हैं। ये हाथ से पहले अच्छे से जड़ जाएगा, उसके बाद इसको 27 नंबर गोटी से इसको हम किया का डीजल फिल्टर जो है वो खोलना है सबसे आसान। ये हम फिटिंग के बीच बीच में हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे इसके 2 लॉक लगे हैं, अच्छे से इसको दबा के ये दोनों लॉक इसको पीछे खींच लेना है। ये वाले एक इधर और दूसरा इधर की इस तरफ है। ऐसे ही जो नीचे वाली पाइप है इसके भी ऐसे ही नीचे ये लॉक लगे हैं 2, इसको हम पुश करके पाइप को नीचे खींच लेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स, हमने इसके 12 नंबर के जहाँ से 2 बोल्ट खोले हैं और नीचे इसके जो वाटर लेवल सेंसर का ग्रिप होता है उसको निकालने के बाद हम इसको ऐसे ही खोल रहे हैं। ये फिल्टर इसका जो है डीजल फिल्टर जो है वो बाहर आ चुका है, अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। और किया जो पार्ट नंबर लिखा है इसका, ये जो वाटर लेवल सेंसर है इसका जो हमने ग्रिप है वो इसको निकालने के बाद ये 2 पाइप है हम निकालेंगे 12 नंबर का 2 बोल्ट खोल के, तो यहाँ से जो फिल्टर है वो रिमूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, किया सोनट जिसकी हम सर्विस कर रहे हैं,
उसका जो एसी फिल्टर की लोकेशन है वो लेफ्ट साइड। डोर खोलेंगे तो किया राइट हैंड साइड ड्राइव, और यहाँ पे इसका जो एसी फिल्टर है वो आप घर में भी इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो ग्लो बॉक्स है वो ऑन करेंगे। इस ग्लो बॉक्स को हल्का सा यहाँ से नीचे आ रहा होगा, और ये रहा इसका, और ध्यान से देखें कि ये इसके ये यहाँ से इधर फंसा हुआ है, यहाँ से इसके लॉक जो है दोनों ऐसे इसको दबाना है और ये बाहर आ जाएगा। और ये इसका जो है वो एसी फिल्टर है, कैबिन एयर फिल्टर, बहुत ज़्यादा घटिया है ये। अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। ये रही इसके फिल्टर, उसके अंदर जो होता है वो ब्लोअर फैन होता है, जो नीचे दिखाई दे रहा है लाइनिंग वाला, ये इसका जो ब्लोअर फैन है ये वाला, ये घूम रहा है, ये घूमता है जो गाड़ी को। ब्लोअर फैन के ऊपर इसकी जो है वो लोकेशन होगी, ये ब्लोअर फैन है इसके ऊपर एसी फिल्टर की। मोस्टली हर गाड़ी की लोकेशन फिल्टर लोकेशन यही पे होती है। फ्रेंड्स फाइनली हमने इसका जो तेल है वो ड्रेन कर लिया है, और इंजन ऑयल भी हमने इसमें डाला है। अभी तो 3.5 लीटर डाला है इसमें, अभी एक लीटर की और कैपेसिटी इसमें पड़ी है सेकंड कट तक आने के लिए। अभी मैं इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल जहाँ से वो डालेंगे, और हम इसका डीजल फिल्टर जो है वो हमने इसको खोल दिया। इसमें इस सुराख का फ़र्क होता है, दो तरह के आते हैं फिल्टर। ये इसका वाटर लेवल सेंसर है। फाइनली हमने इसका जो डीजल फिल्टर है वो फिट कर दिया है, स्कूरा कंपनी का। अब हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। फिल्टर जो है वो यहाँ मैं अपनी लोकेशन पे लग गया, और इसमें यहाँ पे हम दो पाइप लगाएंगे, नीचे इसका ग्रिप लगा देंगे, और इसके जो 12 नंबर के दो बोर्ड है वो कसने वाले हैं। फ्रेंड्स इसकी सर्विस के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसका जो कूलेंट है वो कूलेंट हमने इसका नया डाल दिया, अच्छे से इसको क्लीन करके अब ये गाड़ी वॉशिंग पे जा रही है। और इसका जो डीजल फिल्टर है वो भी चेंज हो गया, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिल्टर जो हमने सब नए डाल दिया, गाड़ी का एसी वर्किंग में है, एसी फिल्टर हमने डाल दिया, सभी हो चुका है। अब इसमें वाटर पानी डाल के इसका वाइपर वगैरह चेक करेंगे, लाइटें वगैरह चेक करके इसका गाड़ी का फुल फाइनल ओके करने का उसको।